हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक अमेजिंग शॉर्ट मूवी स्मॉल टाउन, जहां एक इंसान के हाथ अपने शहर का एक ऐसा मॉडल लग जाता है जिस पर वो जो भी चेंजेस करता है ठीक वैसे ही रियल टाउन में भी होता है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग में एक न्यूज से हमें पता चलता है कि लिटिल टन शहर के मेयर टीना ग्रैंट एक सड़क हादसे में मारी गई है। टीना ने अपने टाउन के लिए काफी काम किया था और लोग उसे बहुत पसंद करते थे। हाल ही में उसने एक हाईवे के एक्सटेंशन पर भी रोक लगाई थी ताकि उनके टाउन का हाईवे से कनेक्शन बना रहे। यही हम शहर के डिप्टी मेयर कॉनले को देखते हैं, जो शुरू से टीना के अगेंस्ट था और अब उसके मरने के बाद खुद मेयर बनना चाहता है। टीना के जाने का सबसे ज्यादा दुख उसके हस्बैंड जेसन को हुआ है, जो अब अपना घर छोड़कर टाउन के चर्च में बने एटिक में रहने लगा है। आगे का सीन एक साल बाद का है, जहां हम एक लड़के एमिलियो को देखते हैं, जो जेसन के लिए कुछ सप्लाईज लाया है। यहां पता चलता है कि एमिलियो की मां एना टाउन में एक कैफे चलाती है और वो सामान डिलीवर करने में उसकी मदद करता है। उसे पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक है और जेसन भी ये देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। आगे वो चर्च के पैस्टर से अपने एटिक में रखे पुराने सामान को हटाने की परमिशन लेता है ताकि वहाँ बनी विंडो से रोशनी और हवा अंदर आ सके। पैस्टर उसे परमिशन दे देती है और बताती है कि वहाँ रखा सामान बहुत सालों पुराना है। जेसन सामान हटाने लगता है और तभी उसकी नज़र वहाँ रखे एक मॉडल पर पड़ती है। वो देखकर हैरान होता है कि ये इसी टाउन का मॉडल है, जो दिखने में बहुत पुराना है लेकिन फिर भी पूरी तरह अपडेटेड है। वो देखता है कि ये मॉडल इतना डिटेल्ड है कि इसमें रोड्स पर बने क्रैक्स भी साफ दिख रहे हैं। तभी उसे साइड में एक चाबी और बटन दिखाई देता है। वो जैसे ही उसे घुमाकर बटन दबाता है, वहाँ एक ग्रीन लाइट जलती है और उस मॉडल में लगी मशीन चालू हो जाती है। मशीन के चलते ही वो पूरा मॉडल जगमगा उठता है और यह देखकर जेसन बहुत खुश होता है। यहाँ उसे एना के कैफे और उस चर्च का मॉडल दिखता है जहाँ वो रहता है। यह सब देखने में बिल्कुल असली जैसा है और तभी उसे लगता है कि जैसे मॉडल चर्च के एटिक में कोई खड़ा हुआ है। वो ध्यान से देखने के लिए उस पर थोड़ा पानी स्प्रे करता है और तभी चर्च के बाहर बारिश होने लगती है, लेकिन स्प्रे बंद होते ही बाहर बारिश भी रुक जाती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो एक बार फिर मॉडल पर स्प्रे करता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ एक बार फिर बारिश होने लगती है। वो बाहर देखता है कि ये बारिश सिर्फ उसके चर्च पर हो रही है और वो समझ जाता है कि ये सब इस मॉडल की वजह से हो रहा है। आगे वो एना के कैफे में जाता है, जहाँ लोग इस अनोखी बारिश की ही बात कर रहे थे। वहाँ उसे पता चलता है कि कॉनले के मेयर बनने के बाद टाउन के बुरे हाल हैं। सड़कों पर गड्ढे और कचरा बिखरा पड़ा है और हाईवे से कनेक्शन टूटने से लोगों का काम भी कम हो गया है। उसे यह भी पता चलता है कि पैसे कम होने के कारण एना और एमिलियो अपने इस कैफे को खुद ही पेंट करने की सोच रहे हैं। वो इन सब चीजों को एक डायरी में नोट करके वापस चर्च में आता है। एक सीन में हम उसे पैस्टर की ऑरेंज नेल पेंट चुराते हुए देखते हैं। अगली सुबह एना और एमिलियो देखते हैं कि किसी ने रातों रात उनके कैफे को पेंट कर दिया है। उन्हें बहुत हैरानी होती है और तभी जेसन वहाँ आता है। पता चलता है कि ये सब उसी ने किया है ताकि उनकी मदद कर सके। एक दिन उसे एक बॉक्स दिखता है जिसमें लोग मेयर को मदद के लिए अपने सुझाव देते हैं और वो उसे उठाकर अपने साथ ले आता है। आगे हम उसे उस बॉक्स में लिखी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हुए देखते हैं। वो सड़कों पर गड्ढे भरता है, घरों के बाहर से कचरा उठाता है और सूखे हुए पेड़ और सड़कों को साफ करता है। एक भूखे डॉगी को देखकर वो एक छोटी सी हड्डी मॉडल पर रखता है, जो बाहर की दुनिया में बहुत बड़ी हो जाती है। उसे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि वो लोगों के किसी काम आ रहा है। आगे वो टाउन में एक बड़ा सा साइन लगाता है ताकि हाईवे से भी लोग इसे देख सके और उनके यहाँ एक बार फिर टूरिस्ट आना शुरू हो जाए। ऐसा ही होता है और जल्द ही वहाँ काफी सारे टूरिस्ट आने लगते हैं, जिससे लोगों के बंद पड़े काम फिर से शुरू हो जाते हैं। जेसन को पता चलता है कि टाउन के लोग इन सब कामों के लिए मेयर को जिम्मेदार मान रहे हैं और चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में भी वो एक बार फिर मेयर बन जाए। कॉनले भी इस फ्री की पॉपुलैरिटी से बहुत खुश होता है, लेकिन जेसन इस बात से चिढ़ जाता है। वो मेयर को सबक सिखाने के लिए एक छोटा सा पत्थर मॉडल पर खड़ी उसकी कार पर फेंकता है और वहाँ बाहर एक बड़ा सा मीटियोराइट मेयर की कार को तबाह कर देता है। मेयर को बहुत गुस्सा आता है और तभी वो देखता है कि एमिलियो ने भी इस एक्सीडेंट का एक स्केच बनाया है। उसे लगता है कि शायद ये सब उसी ने किया है, लेकिन एना आके उसे बचा लेती है। कॉनले को भी रियलाइज होता है कि उसकी इस बिहेवियर की वजह से लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं और वो तुरंत अपना मूड चेंज करता है। जेसन को लगता है कि शायद उसे अच्छे से सबक नहीं मिला और वो अपनी अगली चाल सोचने लगता है। रात को वो मॉडल पर कॉनले को आते हुए देखता है और एक बड़ा सा स्पाइडर उस पर छोड़ देता है। एमिलियो भी अपनी खिड़की से उस स्पाइडर को देख लेता है। इधर कॉनले इतने विशाल स्पाइडर को देखकर डर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाए, जेसन उसे वापस उठा लेता है क्योंकि वो तो बस उसे डराना चाहता था। अगले दिन एमिलियो रात को दिखे उस स्पाइडर की पेंटिंग बनाता है और ये देखकर मेयर एक बार फिर उस पर नाराज होता है और कहता है कि शायद ये सब वही कर रहा है, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से वहाँ से
चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि टाउन में और विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जेसन उस साइन को रिप्लेस करता है। वो एक बड़ा और ज्यादा लाइट वाला साइन लगाकर सोने चला जाता है। रात को उस साइन में शॉर्ट सर्किट होता है जिससे टाउन की पावर ग्रिड खराब हो जाती है और पूरे टाउन में अंधेरा छा जाता है। मेयर तुरंत एक मीटिंग बुलाता है और बताता है कि पावर ग्रिड ठीक करने में कई हफ्ते लगेंगे। ये सुनकर पब्लिक नाराज हो जाती है क्योंकि वो इतने दिन बिना पावर के नहीं रह सकते। उन सबको लगता है कि ये सब मेयर की ही गलती है और वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। मेयर भी समझ जाता है कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो लोग शायद उसे मार डालेंगे। वो सबको सच बताता है कि टाउन में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। उसे लगता है कि शायद कोई जानबूझकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पब्लिक उस पर विश्वास नहीं करती और यह देखकर मेयर वहाँ से भाग निकलता है। सब लोग उसे पकड़ने उसके पीछे जाते हैं और तभी मेयर को बाहर बैठा एमिलियो दिखता है जो उसी साइन की पेंटिंग बना रहा है जिसकी वजह से पावर फेलियर हुआ था। मेयर लोगों को कहता है कि यह सब एमिलियो ही कर रहा है और उन्हें उसकी ड्राइंग दिखाता है। वो बताता है कि शायद ये कोई जादूगर है जिसने पहले अपनी माँ के कैफे को और बाद में पूरे शहर को चेंज करना शुरू कर दिया। एना एमिलियो का बचाव करती है और लोगों को बताती है कि कैसे शुरू से ही कॉनले उसके बेटे के पीछे पड़ा हुआ था और अब अपनी गलतियों को उसके सर डालना चाहता है। पब्लिक को भी लगता है कि शायद वो सही है और वो लोग कॉनले को मारने आगे बढ़ते हैं। तभी जेसन वहाँ आता है और उन सबको शांत करता है। वो बताता है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ था और वो तो बस इस टाउन की मदद करना चाहता था। लोगों को विश्वास नहीं होता और तब जेसन उन्हें ये प्रूफ करके दिखाता है। वो चर्च में जाकर मॉडल पर कुछ माचिस की तीलियां जलाता है और देखते ही देखते बाहर भी एक बड़ी सी आग लग जाती है। वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेयर पुलिस को लेकर वहाँ आता है। उस मॉडल को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है कि अब वो इस जगह को एक बेहतरीन टाउन में बदल देगा। वो उस मॉडल को वहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन जेसन उसे ऐसा नहीं करने देता। मेयर के जबरदस्ती करने पर वो मॉडल हिलने लगता है जिससे बाहर भी एक भूकंप आ जाता है। आखिर में वो मॉडल टूट जाता है और बाहर रियल दुनिया में भी काफी तबाही होती है। आगे हम देखते हैं कि लोगों ने कॉनले को शहर से भगा दिया है और जेसन को यहाँ का नया मेयर बनाना चाहते हैं। एमिलियो उसे मॉडल से शहर को दोबारा बनाने को कहता है, लेकिन जेसन उसे बताता है कि अब वो टूटकर बेकार हो चुका है। उन्हें पता है कि इस शहर को दोबारा ठीक करने में बहुत पैसा लगने वाला है और तभी जेसन की नज़र सामने पड़ी एक बड़ी सी गोल्ड रिंग पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि शायद मेयर से हुई लड़ाई में ये उसके हाथ से मॉडल पर गिर गई थी और बाहर आकर इतनी बड़ी हो गई। एंड सीन में एक रिपोर्टर से पता चलता है कि ये गोल्ड रिंग इतनी बड़ी है कि इसे बेचकर पूरे शहर को फिर से एकदम नया बनाया जा सकता है। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।